हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और आपकी दोस्त अंकिता भार्गव। इनफर्टिलिटी पे बेस्ड हमारी स्पेशल सीरीज में आपका स्वागत करती हूं, जिसका नाम है नवजीवन एक्सपेक्टिंग न्यू लाइफ। दोस्तों, एक जमाना था जब सूनी गोद और खाली पालने का दर्द जिस आंगन को छू जाए वहाँ जिंदगी भर के लिए सन्नाटा छा जाता था। जी हाँ, पर आज के ज़माने में इस दर्द से, इस सूनेपन से निजात पाई जा सकती है। निसंतान दंपत्ति अपने इस नामुमकिन सपने को सर्जरी द्वारा मुमकिन कर सकते हैं। इसी कोशिश को अपने जीवन का आधार बनाया है वर्ल्ड फेमस ऑब्स्टेट्रिशियन और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर नंदिता पी पालशेतकर जी ने। एक नाम जो फर्टिलिटी के क्षेत्र में बहुत अहम है, वो है नंदिता पालशेतकर। आईवीएफ जैसे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर को आम लोगों तक पहुंचाने में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आईवीएफ, आईयूआई, एक्सी, एमसी, जीआईएफटी स्पेशलिस्ट नंदिता पालशेतकर के कारण अब तक हजारों निसंतान दंपत्ति संतान सुख प्राप्त कर चुके हैं। पिछले दो दशकों से इन्होंने गायनेकोलॉजी और फर्टिलिटी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का विकास किया है, जिसके कारण इन्हें अनेक पुरस्कारों और सम्मानों से नवाजा गया है। आईवीएफ ब्लूम लीलावती, हरकिशन दास, डीवाई पाटिल और फोर्टी ग्रुप जैसे हॉस्पिटल्स में कार्यरत नंदिता पालशेतकर इस क्षेत्र में निरंतर सक्रिय हैं। आज डॉक्टर नंदिता हमारे साथ हैं, तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर नंदिता पी पालशेतकर जी का। वेलकम डॉक्टर नंदिता। थैंक यू, वेलकम टू आवर शो। डॉक्टर नंदिता, हम बात करते आए हैं फर्टिलिटी के बारे में, किस वजह से होती है, क्यों होती है। हमने काफ़ी प्रोसीजर्स के बारे में बात की जिस वजह से जो ट्रीट कर सकते हैं इनफर्टिलिटी को, और इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं उन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स के बारे में जो इनफर्टिलिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। जहाँ तक मैंने सुना है, आई हैव हर्ड ऑफ ट्रीटमेंट्स लाइक टेस्ट ट्यूब बेबी, IUI। ये टर्मिनोलॉजी यहाँ वहाँ पढ़ने में ज़रूर आती है, बट इन डिटेल मैं कभी समझ नहीं पाई। तो आपसे जानना चाहूँगी कि IUI किस तरह का ट्रीटमेंट है। एक दूरबीन होती है विच इज हार्डली 5 मिलीमीटर्स या 1 सेंटीमीटर थिक, जो हम पेट के अंदर डालते हैं, एंड आफ्टर लुकिंग थ्रू इट विद द हेल्प ऑफ अ वीडियो कैमरा हम लोग ऑपरेट करते हैं। ओके, एंड दोज आर द डिफरेंट टेक्निक्स दैट वी कैन डू। इट्स नोन एज मिनिमली इन्वेजिव सर्जरी। ओके, तो इतना पूरा यू नो काट छाट नहीं होती है, टाके भी कम आते हैं, एंड एडवांटेज इसका ये है कि रिकवरी इज मच फास्टर, क्योंकि जो 7 दिन 10 दिन लगते थे पूरा इंसिशन पेट हील होने के लिए, वो 2-3 दिन में हील हो जाता है जी। सो देयर आर डिफरेंट सर्जिकल टेक्निक्स, यू नो, अगर हम 10 पेशेंट्स ले लें जिनको बच्चा नहीं हो रहा है, तो एक्चुअली 10 में से 3 या 4 पेशेंट्स को हम सर्जरी करके ही बच्चा दे सकते हैं। Okay. उनको IUI, IVF वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरी चीज़ जो इनफर्टिलिटी कॉज करती है और ट्रीटमेंट पर हमें बहुत अच्छा सक्सेस मिलता है, वो है ट्यूबल सर्जरी। ट्यूबल सर्जरी जी, मतलब जो फिलोपियन ट्यूब्स है उसमें अगर कोई ब्लॉक होए तो हम वो ओपन करना चाहते हैं। ओके, अगर अंदर से ट्यूब वो डैमेज नहीं हुई हो तो डेफिनेटली सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा है, 80% चांस है कि वो बच्चा हो जाएगा नेचुरली। बट अगर डैमेज ज़्यादा हो तो वो सक्सेस रेट बिल्कुल 10% को ड्रॉप हो जाता है। ओके, फिर हम IVF की तरफ, you know, it's better to do IVF because success rate is 50%. Another thing which is very good, matlab surgical treatment, is endometriosis. Okay. Young patient ho, ek hi ovary mein jaise chocolate cyst ho, endometrioma ko hum chocolate cyst bhi bolte hain. Chocolate cyst, why is that? Because wo jo uske andar jo ganda pani hota hai wo chocolate ki tarah hota hai. Okay. So it's known as chocolate cyst. To wo hum durbin se jaake वो चॉकलेट सिस्ट निकाल देते हैं, और अगर एंडोमेट्रियोसिस पेट में अंदर कहीं और होगा तो उसे जला देते हैं। एनर्जी यूज्ड इज थर्मल एनर्जी, लेज़र यूज़ कर सकते हैं। ओके, ओके, और इसके बाद अगर 1 साल के अंदर अंदर बच्चा हो गया तो एंड दैट इज़ द बेस्ट चांस टू हैव अ बेबी। इसका सक्सेस रेट क्या है इस तरह की सर्जरीज का? इट डिपेंड्स ऑन द डैमेज। सभी चीज़ अगर माइल्ड फॉर्म में पकड़ी जाए
तो सर्जिकल ट्रीटमेंट गिव्स बेटर रिजल्ट्स. बट अगर बहुत दिन हुआ होगा, बहुत डैमेज एक्सटेंसिव हो, तो आईवीएफ करना ज़्यादा बेहतर होगा. सो वी हैव टू टेक अ डिसीजन. जब हम दूरबीन डालते हैं और देखते हैं पेट, यूट्रस, ओवरीज, सब चीज़ें देख के हम डिसीजन लेते हैं कि पापा इस पेशेंट को सर्जरी से फ़ायदा होगा या ये सर्जरी छोड़ दो, कुछ मत करो, हम IVF करेंगे. Well, you know, this is why I love talking to you, because we don't just sit here and talk science, हम emotions की भी बात करते हैं. और यही मानना है हमारे viewers का, जो लगातार हमें फ़ोन करते हैं, हमें emails भेजते हैं, क्योंकि वो आप तक अपने दिल की बात पहुंचाना चाहते हैं. उन्हीं में से एक स्पेशल ईमेल है जो मैंने आज के लिए चुनी है. मिस्टर डीके ने हमें ये ईमेल भेजा है. मैं 28 साल का हूँ, अभी मेरी शादी नहीं हुई है, मुझे कैंसर है, इसके लिए रेडियोथेरेपी करवा रहा हूँ. पर मैंने सुना है कि इस ट्रीटमेंट से स्पर्म्स हमेशा के लिए डैमेज हो जाते हैं और मैं कभी अपनी संतान का मुंह नहीं देख पाऊँगा. मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं ठीक हो गया और मैंने शादी की, तो क्या कभी मुझे संतान सुख मिल पाएगा? डीके जी, आई थिंक ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा है, क्योंकि हमारे देश में लाइफ आफ्टर कैंसर डज नॉट एग्जिस्ट. कि कैंसर हो गया अंकिता, मतलब फिनिश्ड, देयर इज नो फ्यूचर, एंड ऑफ लाइफ. बट ये जो है, ये चेंज करना चाहिए एटीट्यूड. तो आजकल हम क्या करते हैं, बहुत सारे यंग बॉयज आते हैं जिनको कैंसर हुआ होता है, उनकी थेरेपी चालू हो जाती है. तो थेरेपी चालू होने से पहले हम सीमन फ्रीजिंग करते हैं. Okay. मतलब सीमन बैंक में उसका, उनका सैंपल जो है, सीमन सैंपल स्टोर किया सकता है. लड़कियों की भी ऐसी ऑप्शंस अवेलेबल है कि बिफोर यू टेक थेरेपी, यू कैन एक्चुअली यू नो स्टोर योर एग्स. मैंने सुना है ओवरी फ्रीजिंग, ओवरी बैंक्स. ओवरी फ्रीजिंग नहीं, बट एग फ्रीजिंग अभी इज वेरी मच देयर. ओवरी फ्रीजिंग के काफ़ी रिसर्च चालू है, मैंने भी किया है, बट इट इज़ नॉट proven therapy at the moment, but egg freezing करके रख सकते हैं. And that definitely would help patients like this. So there is life after cancer. I think that's very important. And आपको आपके डॉक्टर को पूछना चाहिए कि नज़दीक वाला जो सीमन बैंक है, वहाँ जाके आप अपने सैंपल्स फ्रीज करके डेफिनेटली रख सकते हो. और सीमन फ्रीजिंग तो 5 साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल तक भी हम करके रख सकते हैं. वेल डीके जी, आप प्लीज़ अपने रेडिएशन को, कीमोथेरेपी को प्रायोरिटी पे रखिए, क्योंकि अभी आपको कैंसर से लड़ाई करनी है और कैंसर से जीत हासिल करनी है, अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी खुद की संतान हो. सो आई थिंक डॉक्टर नंदिता ने एक बहुत ही सुपर सुपर सलाह दी है. आप अपने सीमन को फ्रीज कर सकते हैं. अपने डॉक्टर से बात कीजिए, गो टू द नियरेस्ट स्पर्म बैंक, वहाँ अपना सीमन फ्रीज कीजिए. थैंक यू सो मच फॉर राइटिंग टू अस. मैम, सीरियसली दिस इज़ सच एन इमोशनल थिंग, क्योंकि एक जगह ये कैंसर से लड़ रहे हैं और एक जगह इनको ये भी चिंता है कि इस वजह से अगर मेरी फर्टिलिटी कम हो गई तो फ्यूचर में क्या होगा. इसके अलावा और भी कोई चीज़ें हैं जो टेक्नोलॉजिकली वाइज आई हैं हमारे फील्ड में, जिससे इनफर्टिलिटी पे काबू पाया जा सकता है? देर आर लॉट ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज विच आर कमिंग. अभी जो लेटेस्ट है उसे हम एम्ब्रियोस्कोप बोलते हैं. एम्ब्रियोस्कोप एक ऐसा इक्विपमेंट है, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि IVF जब आप करते हो तो ट्विन्स, ट्रिपलेट्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो जब ये ट्विन्स या ट्रिपलेट्स हो जाते हैं तो प्री मेच्योरिटी, बच्चों में प्रॉब्लम्स वगैरह बढ़ जाते हैं. तो ये अवॉइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो इसके लिए हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं, मतलब एक ही बच्चा अच्छा वाला चुन के डालेंगे जिसका पोटेंशियल है कि वो प्रेगनेंसी रेट हाई देगा. सो ऐसी ही एक टेक्नोलॉजी है एम्ब्रियोस्कोप, जो उस एम्ब्रियो के एवरी 15 मिनट्स यू नो ग्रोथ पोटेंशियल दिखाती है. अच्छा. कंप्यूटर प्रोग्राम है जिससे हम देखते हैं और फिर हम देख सकते हैं कि बाबा ये एम्ब्रियो का पोटेंशियल सबसे अच्छा है, इसकी डेवलपमेंट अच्छी है, तो इसे यूज़ कीजिए. आप हमारे शो पे आए, यू स्पेंड सो मच टाइम विद अस, थैंक यू सो मच. इट वाज अ प्लेजर. ऑलराइट फ्रेंड्स, अब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन अगले एपिसोड में इसी चर्चा को जारी रखेंगे और इनफर्टिलिटी के और भी कई पहलुओं पर हम बात करेंगे. तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है. लाइक, शेयर, सब्सक्राइब फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़.